हेलो गाइस। अच्छा जी, आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो कुछ ऐसी है कि देख लेते हैं कैसी है। स्टार्ट करते हैं। मलया, आई थिंक क्या है ये? हाँ, आई थिंक मलयालम है इंडिया की साइड की तरफ, वो लैंग्वेज है इनकी। तो ये बना रहे हैं मीन इनसाइड रेसिपी कुकिंग। थिंक अपने गांव की कोई रेसिपी है, वो कीमा बना दिया पूरा। हल्दी हल्दी में इतना चीख नहीं लगाते, हल्दी तो ठीक है। अच्छा भैया, हल्दी के बाद हरी मिर्च है, लाल मिर्च। செக்கிலா ஆட்டுன சுத்தமான நல்ல எண்ணெய் समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि तेल डाल रहे हैं। கிடா கொத்து கறி அடிச்சு अच्छा भाई, गोश्त को भून रहे हैं। गोश्त को भून लिया है अच्छे से। तो पानी ऐप छप नमक हल्दी चिली सॉस मतलब चिली चाची गार्लिक और अदरक। अच्छे से बहुत अच्छा भुना है। कड़ेले बर्फे उड़ने बर्फे मिलेंगे काले मिर्च करुप येले जीरा असल मसाले तो ऐसे ही पीसे जाते हैं। इसे कहते हैं देसी मसाला तैयार करना। ये क्या है, बेकिंग करेंगे क्या? ठीक है, उस मक्खन के ऊपर डाल दिया डव। अच्छा डव बनाया होगा, डव के ऊपर गोश्त डाल दिया, डव टाइप लग रहा है। जंगल के बीच में खाना बनाना भी अच्छा, आसपास परिंदों की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही है। सी वो बनाया होगा, याद नहीं यार क्या कहते हैं जिसको
मतलब मैदे में टाइप कुछ बना के फिर रोटी बन जाएगी, बन बन जाएगा। वाह, बेकिंग अच्छा बनाया हुआ है। सही बने लड़ा बे, सही रहता है तेरे पास सही। बेकिंग का अच्छा आइटम रखा है यार। यार आड़ पेर चा दुनिया करी छुट्टी है बहुत ही साफ। चलो भाई बेक हो गया। पानी डाल के ठंडा किया जा रहा है। रोटी में अच्छा बन टाइप बन गया, उसके ऊपर गोश्त डाल दिया। गांव की कुकिंग अलग ही बात है। गांव में तो हर चीज़ देसी आइटम देसी तरीके से बनाया जाता है, देसी मसाले अपने होते हैं। स्पीड से बना रहे हैं। बारिश शुरू हो गई। इन लोगों ने सिटी मेंशन किया है कि नहीं? मुझे लगा था बारिश का पानी जमा करने के लिए रखा। सेकल आठ ना सुता माना नल्ला नहीं। अच्छा तेल। बर्त आराचा इडली पड़े। तो जो जो बेक किया है उसको तला जाएगा। अच्छा बना है। Yeah, okay.
जाएगा अभी। சாதாரணமாவே இட்லி பொடி நல்லெண்ணெயில குழப்பி இட்லியை தொட்டு சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம நல்லெண்ணெயில இட்லி இட்லி பொடியும் பொரி சாப்பிடுவோம். டெலிஷியஸ் தோ होगा। ஆட்டு கறியோட இட்லி கறிய நல்லெண்ணெயில வதக்கி அதை இட்லிக்குள்ள வச்சு வேக வச்சு அந்த இட்லிய இட்லி பொடியோட நல்லெண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்த அந்த இட்லிய அப்படியே ஆட்டுக்கறி குழம்போட சேர்த்து சாப்பிடும் போது सब कुछ लगा गांव पूरे गांव वालों की दावत की है। गांव की दावत नहीं पूरे ट्रस्ट हाउस मतलब गांव का खाना मज़े का बनाया है काफ़ी देसी तरीके से। गांव के गांव का तो यही होता है कि वो देसी तरीके से बनाते हैं, शहरी तरीके से थोड़ी अच्छी वीडियो थी। तो आज यही था और आज के लिए बल्कि अभी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।